नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारा राजस्थान में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस की ओर। सफाई पर मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर जिले के तीवरे कस्बे में गुरुवार को रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। बकानी थाना परिसर में आज शांति समिति की बैठक का हुआ आयोजन। और खबरें विस्तार से। चोमू में बीजेपी प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता और विधायक रामलाल शर्मा ने किसानों की बीसीआर भरने को लेकर राजस्थान सरकार पर हमला बोला है। विधायक शर्मा ने कहा कि ऐसे सुनने में आ रहा है कि प्रदेश सरकार द्वारा किसानों की भरी जा रही बीसीआर को समझौता समिति में लेने के लिए निर्धारित राशि को कम किया जा रहा है। विधायक शर्मा ने कटाक्ष करते हुए कहा कि सरकार इन अनगल बातों को छोड़कर वीसीआर भरना ही बंद क्यों नहीं कर देती, ताकि समझौता समिति में जाने की आवश्यकता ही ना पड़े। विधायक शर्मा ने बीजेपी सरकार द्वारा शुरू हुई 833 रुपए की सब्सिडी को बंद करने पर भी सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ सरकार सब्सिडी बंद करने का काम कर रही है, दूसरी तरफ अवैध और अनैतिक वीसीआर भरने का काम कर रही है। फिर भी सरकार समझौता समिति में लेने के लिए निर्धारित राशि को कम करने की बात कर रही है। विधायक शर्मा ने सरकार को कटाक्ष करते हुए कहा कि यह सरकार बेवकूफ बना रही है, जनता की वीसीआर भरकर अपने खजाने में पैसा इकट्ठा करने का काम कर रही है। सरकार व्यंग कसते हुए रामलाल शर्मा ने कहा, सरकार कर्मचारियों को तनख्वाह देने का काम कर रही है या होटलों के किराए को चुकाने का काम कर रही है? सरकार किसानों के हितों पर गुटारघाट करने का काम कर रही है, चुनावों की गए वादों से भी वादा खिलाफ करने का काम कर रही है। विधायक शर्मा ने सरकार से मांग की है कि किसानों की लाखों रुपए की भरी जा रही अवैध वीसीआर को भरना बंद किया जाए और बीजेपी सरकार द्वारा 833 रुपए की सब्सिडी को वापस शुरू करने का काम करे। और अब खबर झुंझुनू जिले से। झुंझुनू के सात बत्ती पर स्थित खटिक समाज की धर्मशाला में समाज के जरूरतमंद बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरण की गई है, जिसमें कार्यक्रम आयोजित बीएल असवाल चीफ इंजीनियर अपने पिताजी स्वर्गीय रामनिवास अग्रवाल की याद में समाज के जरूरतमंद बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरण की। इस दौरान कार्यक्रम में खटिक समाज ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप असवाल ने बताया, समाज में शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, शिक्षा की अलग जगाना, शिक्षक महत्व के बारे में लोगों को आकर्षित करना और सरकारी सेवाओं में चयन होने पर समाज का नाम रोशन करना। कार्यक्रम आयोजित करता बीएल असवाल चीफ इंजीनियर ने बताया, समाज के निचले तबके के लोगों को शिक्षा के लिए आकर्षित करना व जरूरतमंद बच्चों का सहयोग कर उन्हें शिक्षित कर निचले स्तर के लोगों को समाज में बराबर का भागीदार बनाने के लिए शिक्षित करेंगे, जिसको लेकर खटिक धर्मशाला में आयोजित कार्यक्रम के दौरान बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरण की गई है। इस दौरान कार्यक्रम में बीएल असवाल, लालचंद असवाल, सतवाल असवाल, सुरज्ञान लक्ष्मी नारायण, खटिक समाज अध्यक्ष दिलीप असवाल, गजानंद प्रभात तीन देवी, शांति देवी सहित अनेक लोग मौजूद थे। इसके अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार के लिए आज हमने ये कार्यक्रम रखा है। मैं दिल्ली में भारत सरकार में चीफ इंजीनियर हूँ और हम चाहते हैं कि अपने समाज के अंदर शिक्षा का प्रचार प्रसार हो, बच्चों तक शिक्षा पहुँचे हर समाज के तबके तक। तो उसी उपलक्ष्य में हमने आज 12वीं तक के बच्चों को डिक्शनरी, कॉपियाँ, पेंसिल, पेन ये बांटे हैं। इसका मकसद सिर्फ यही है कि हम समाज के हर नीचे के स्तर तक शिक्षा का प्रचार प्रसार करना चाहते हैं, जिससे कि शिक्षा की महत्वता को वो लोग जाने, बच्चे जाने, उनके अभी से उनके अंदर एक ऐसा बीज शिक्षा का हम डालना चाहते हैं कि आगे जाके वो एक समाज के लिए अच्छे नागरिक बने, अच्छे इंसान बने और पढ़ लिखे समाज का, गांव का नाम रोशन करें। हमने यहाँ पे ये हमारे खटीक धर्मशाला है उदयपुरवाटी सातवती रोड पे, यहाँ पे हमने सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए कम 40-50 बच्चों को हमने यहाँ पे बांटी है। बाकी बच्चों को हम सबको घर घर जाके और उनकी लिस्ट हमने बनाई है, पूरी के पूरे अराउंड लगभग 200 के आसपास बच्चे हैं हमारे पास, उनका पूरा लिस्ट हमारे पास बना हुआ है। आगे भी हम चाहेंगे कि इन बच्चों को गाइड करें,
किसी की मदद की जरूरत हो तो वहाँ पर मदद भी हम करें, और अब हम बाकी बच्चों को हम घर घर जाके उनको पुस्तक वितरण की है। और हमारा मकसद सिर्फ यही है कि शिक्षा ही जीवन है, एक मैसेज हम देना चाहते हैं समाज को, बच्चों को, उनके माता पिताओं को कि शिक्षा ही। खबर कुचामन सिटी से, जिला के मालपुरा ने सती माता सड़क इन दिनों जगह जगह से टूटकर जर्जर हालत हो चुके हैं। पूर्व सरपंच जय कुमार जैन ने बताया कि यह मार्ग जिला के सदैव बाजार से होकर गुजरता है, जो कि इन दिनों पूरी तरह से टूटकर खड्डों में तब्दील हो गया है, जिसके कारण जगह जगह पानी एकत्रित हो गया है, जिसको लेकर सार्वजनिक निर्माण विभाग को कई बार अवगत भी करवा दिया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। इधर बावरियों के बांस से लेकर वीर तेजा मार्केट तक भी सड़क पूरी तरह से टूट चुकी है, जो कि संबंधित अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों को इस ओर ध्यान देकर दुरुस्त करवाना चाहिए, अन्यथा बड़ी दुर्घटना घट सकती है। राम बड़े के घर से लेकर के शान सड़ा तक सड़क एकदम पूरी तरह टूटी हुई है, जगह जगह खड्डे पड़े हुए हैं, जगह जगह पानी भर रखा है। कोई राहगीर आता है या कोई वाहन आते हैं तो पानी होने से दिख नहीं पाता और उनकी चोट हो जाती है, चोट लगती है और दुर्घटना हो जाती है। और ये मार्ग चाणवा सबलपुरा मंगलपुरा करकड़ी शिव का एकमात्र रास्ता है, यहाँ बहुत वाहन निकलते हैं और यह सबसे व्यस्त सड़क है। इसलिए सरनाम में बड़ाई के घर से लेकर सदर बाजार देते हुए दुर्गा आवास देते हुए शान साड़ा तक 1 किलोमीटर सड़क बनाई जाए, बहुत बड़ी दुर्घटना कभी भी हो सकती है, और फिर यदि होगी तो फिर राज्य सरकार को इसके लिए कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए मेरा निवेदन है अति शीघ्र इस सड़क को बनाई जाए, अन्यथा गाँव वालों में हमारा असंतोष है, वो आंदोलन करेंगे। इस महीने इंतजार करें, अगले माह फिर आंदोलन की राह पकड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। सरकार को भी दे दी, हमारे क्षेत्रीय विधायक को दे दी और हमारे एक्शन और एन साहब को भी दे दी, उनके इसका सर्वे भी हुआ था, परंतु क्यों नहीं हो रही है सड़क इस बात का कोई पता नहीं है। यदि इस बार सड़क चालू नहीं हुई तो अगले माह आंदोलन का सहारा लेना पड़ेगा, और विधायक जी के रे या सदर बाजार में भूख हड़ताल के लिए बैठ लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, और गाँव वाले आंदोलन करेंगे, इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। और खबर बाड़मेर के धनौ क्षेत्र से, श्री बाबूजी राठौड़ गौशाला में श्रद्धा पक्ष की अमावस्या व बुधवार को तुलादान का 165 वर्ष बाद संयोग बनने पर गौभक्ता द्वारा करीब 20 क्विंटल हरा चारा व गुड़ खिलाया गया। पिछले कई माह जन सहयोग के करीब 650 गौ माता के लिए हरा चारा पूर्णिमा व अमावस्या को खिलाया जाता है। इस अवसर पर गौभक्त गौशाला संचालक दयालपुरी ने बताया कि वर्तमान में वैश्विक महामारी में भी गौ सेवकों ने अपनी नियमित कर्म में गौ सेवक को ही सर्वोपरि मानकर सहयोग के लिए सदैव तत्पर रहे हैं। गौ माता को हरा चारा व गुड़ खिलाकर पुण्य कमाया एवं सनातन धर्म में ऋषियों व मुनियों ने जीवन जीने के सही नियम दिए हैं, जिससे कहा है कि बच्चों के इंद्रिय विकास के लिए 24 घंटे में कम से कम 2-4 बार रोना भी चाहिए। बच्चों के विकास हेतु गौ के पंचगव्यों का नियमित सेवन करने से शारीरिक और मानसिक विकास होगा। गौ का हर घर में पालन करें, हर घर में गौ की सेवा करें। अगर सभी हमेशा गौ माता को हरा चारा खिलाएं और उन्हें प्लास्टिक पॉलिथिन से दूर रखें। इस अवसर पर ओम प्रकाश, रमेश कुमार चंडक, अंकित संखलेचा, अरविंद बोथरा सहित कई उपभोक्ता मौजूद थे। कमल है, फर्नीचर व्यवसायी है और पिछले 5-7 साल से गौ सेवा में लगे हुए हैं और व्यापारियों को जोड़ने का काम करते हैं। हमारा उद्देश्य यही है कि गौ की सेवा की जाए। सभी गौ भक्त, काफ़ी व्यापारीगणों को भी जोड़ा गया है इस गौशाला में। बाबूजी राठौड़ गौशाला है, दाता पे आई हुई है, और हमारा एक उद्देश्य है कि गाय की रक्षा करना और गाय की सेवा करना। श्री बाबूजी राठौड़ गौशाला दाता के अंदर ये गौशाला है। मेरे पास 750 गौवंश है, जो बेसहारा गौवंश है। सभी भक्तों को हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि मेरे पास कई मंडी से और कई व्यापारी जो इस गौशाला में जुड़े हैं, वो व्यापारी अमावस्या 11 पूनम के दिन आते हैं, और यहाँ भोमासों की बड़ी कमी है और गौ माता ज़्यादा के होने के कारण यहाँ भोमासा सेवक करें और ज़्यादा से संख्या में भोमासा जुड़ें और ज़्यादा संख्या में गौ माता बसें। सभी गौ भक्तों से, सभी दानदाताओं से, आने वाले मित्रों से, सभी भक्तों से हाथ जोड़ के मेरी विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस गौशाला में पधारें। और ये गौशाला सिटी से दूर है,
कई अनेक प्रकार के भक्तों को मालूम नहीं है, कई भक्तों को मालूम है। जो भगत आते हैं तो भक्तों से मैं विनती करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप इस गौशाला में जुड़ें, यहाँ पधारें। और आज शाम को गौशाला के अंदर एक जागरण का समारोह रखा गया है, तो हर अमावस के दिन मैं ये जागरण पुण्यतिथि प्राप्त करूँगा। और भक्तों से हाथ जोड़ के विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो व्यापारी हैं, जो भी इस बाड़मेर नगर परिषद के अंदर, जो भी बाड़मेर सिटी के अंदर जो भी भगत हैं, जो भी गौ सेवक हैं, तो उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारें और गौ माता की ज़िंदगी बचाएं। तो गौ माता संकट में और जो भी दुख की भरी कहानी है, तो दुख आज के है तो गाय के है, बाकी दुखी है तो गाय है। कलियुग के अंदर गाय को जब दूध आता है तो गाय को रखते हैं, जब दूध नहीं होता है तो गाय को घर से विदा कर देते हैं। इसीलिए मेरा जीवन केवल इस गाय की संख्या में जुड़ा है, और केवल नंदी जो ज़्यादा संख्या में नंदी की सेवा कर सकें। और कोई यहाँ मेरे पास दूध वाली गाय नहीं है, मैं कोई भी भगत आता है, कोई दानदाता आता है, तो मैं दूध बाहर से ला के चाय बनाते हैं। अपने यहाँ ज़्यादा संख्या में सब नंदी है, और नंदी की सेवा अनेक प्रकार के कई गांव में लोग करते हैं। और गौशाला में आप पधारे, जय गोपाल, जय गौ माता, बोलो गौ माता की जय हो, बोलिए मोहनपुरी जी महाराज की जय हो, सभी सनातन धर्म की जय हो। गौ माता प्रिया, बाड़मेर से कपड़ा व्यवसायी हूँ। हम यहाँ निजला 11 को एक बार गौशाला आए थे, उसके बाद हम इस गौशाला से जुड़े हैं, गौ से भी जुड़े हैं। यहाँ पे भूर सिंह जी है, राजपूत जी, उन्होंने हमारे को बताया एक गौशाला है जहाँ कोई नहीं पहुँचता है। इसलिए हमने मन में ये ठाना, जहाँ कोई नहीं पहुँचता है वहाँ अपन लोग जाए और गायों की सेवा करें। उसके बाद हम यहाँ से जुड़े हैं, काफ़ी लोगों को हमने जुड़ा है, और बहुत ही यहाँ पे दयालपुर जी महाराज है, तो सच्चे मन तन से निस्वार्थ भाव से यहाँ गौ की सेवा करते हैं। उनकी एक उद्देश्य है गौ की रक्षा और कुछ नहीं, और गौ का सेवा में अपना पूरा जीवन इन्होंने दयालपुरी जी और उनकी पत्नी दो ने गाय के लिए अपना पूरा जीवन लगा दिया है। धन्यवाद है उन गौ भक्त को जो पूरा तन मन से गौ की सेवा करते हैं। हम नाम मात्र हैं यहाँ के, गौ की सेवा करते हैं। और अब खबर झुंझुनू के मंडावरा क्षेत्र से। मंडावरा निकटवर्ती ग्राम गुड्डा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया स्वच्छ भारत मिशन व्यापक राष्ट्रीय आंदोलन का रूप ले चुका है। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर ग्राम गुड्डा की दूधाधरी बगीचे के प्रांगण में सफाई के माध्यम से स्वच्छता का संदेश दिया है। युवा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में पर्यावरण की रक्षा का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के झुंझुनू जिला सचिव शशांक जोशी कहा कि हमारी भीवी पीढ़ी के लिए शुद्ध स्वस्थ हवा तथा प्रकृति संरक्षण के लिए वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। यही संदेश देने के लिए प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान कार्यक्रम रखा गया। उन्होंने कहा कि मजबूत राष्ट्र के लिए व्यापक स्तर पर स्वच्छ भारत क्रांति को अपनाने की आवश्यकता है। हमें स्वच्छता को अपने जीवन में एक आदत और नैतिक जिम्मेदारी के रूप में शामिल करना होगा। युवा सैनी समाज के प्रदेश अध्यक्ष संतोष कुमार सैनी बताया कि प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वच्छ भारत मिशन के संकल्प को पूरा करने के लिए देश भर में वर्ष पर स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जाते हैं। हम देश में स्वच्छता के वातावरण और सोच के लिए प्रतिबद्धता के साथ अपना योगदान दे रहे हैं। हिंदू युवा वाहिनी राजस्थान के प्रदेश वरिष्ठ उपाध्याय भ्रातृ मीणा गुड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वच्छ भारत की दिशा में लगातार जागरूकता अभियान चला रहे हैं। ऐसे में उनके जन्मदिन पर स्वच्छता अभियान से अच्छा उपहार कुछ हो ही नहीं सकता था। इस अवसर पर युवा जांगिड़ समाज के प्रदेश अध्यक्ष विकास जांगिड़, मिकिन शर्मा, प्रकाश सैनी, सुभाष सैनी, मनोज सैनी, नीरज सैनी, शशांक जोशी के अलावा बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने सफाई करके मोदी जी का जन्मोत्सव मनाया और स्वच्छता के प्रति जागरण का संकल्प लिया। खबर जालौर के मोदरान क्षेत्र से। विश्वविख्यात आदरणीय भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस के तहत रामसिंह मंडल के मोदरान गांव में भाजपा कार्यकर्ताओं ने गरीब बच्चों व महिलाओं को फल व बिस्किट वितरित किए।
जानकारी के अनुसार गांव के फाउदेवी त्रिलोकचंद रतनपुरा भोरा चिकित्सालय में गर्भवती महिलाओं को फल व बिस्कुट वितरित किए। इस मौके पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सभी कार्यकर्ताओं ने गांव की गौशाला पर गाय को गुड़ व आशपुरा कॉलोनी पावड़ा पस्ती में रहने वाले गरीब लोगों को बिस्किट केले आदि वितरित किए। इस मौके पर गाँव के सभी भाजपा कार्यकर्ता व भाजपा के महामंत्री पांचाराम प्रजापत, भोपाल सिंह सोडा संयोजक पूर्व प्रधान प्रति भंवर सिंह सोडा व बूथ अध्यक्ष हरि सिंह राठौर, रतनलाल देवासी, मीठालाल व दशरथ सिंह रायगोनी, प्रदेश अध्यक्ष हिंदू एकता संगठन भरत सिंह जागरवाल, लाखाराम नरपत सिंह, जालराम सिंह, महेंद्र सिंह, गौतम सिंह, केशर सिंह जागरवाल, पहाड़ सिंह सोड़ा व जगलमाल सिंह राजपुरोहित, राष्ट्र मीडा प्रभारी आदि सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विचारों के तहत बहुत ही सादगी के तहत जन्मदिन मनाया और भाजपा सेवा सप्ताह के रूप में जन्मदिन मना रहे हैं। और खबर जोधपुर के तिवरी क्षेत्र से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर जिले के तिवरी कस्बे में गुरुवार को रक्तदान शिविर का आयोजन हुआ। भाजपा मंडल तिवारी की ओर से आयोजित इस शिविर में 100 से भी अधिक युवाओं ने उत्साह के साथ रक्तदान किया। रक्तदान शिविर में COVID-19 के नियमों की पालना की गई। जोधपुर महात्मा गांधी अस्पताल और मथुरा दास माथुर अस्पताल की यूनिट की ओर से रक्त संग्रहण का कार्य किया गया। रक्तदान करने वाले सभी युवाओं को मोमेंटो देकर उत्साहवर्धन किया गया। खबर भीलवाड़ा से। नगर परिषद में आयुक्त के पद को लेकर खोखो बरकरार है। 31 अगस्त को आयुक्त नारायण लाल मीणा के रिटायरमेंट के बाद कभी दुर्गा देवी तो कभी देवी लाल एक दूसरे को खो देकर नगर परिषद आयुक्त की सीट पर बैठते नजर आ रहे हैं। आज एक बार फिर राज्य सरकार के आदेश से दुर्गा कुमारी ने कुछ ही दिनों में तीसरी बार आयुक्त का प्रभार ग्रहण किया। दुर्गा कुमारी के पदभार ग्रहण करने पर नगर परिषद अधिकारी सहित भीलवाड़ा वासियों ने उन्हें गुलदस्ता भेंट करके उनका स्वागत भी किया। नगर परिषद आयुक्त दुर्गा कुमारी ने कहा कि मेरी पहली प्रमुखता शहर में सफाई व्यवस्था को दुरुस्त कराने की रहेगी। हमारा लक्ष्य रहेगा कि भीलवाड़ा शहर की रैंकिंग का देश स्तर पर सुधार किया जा सके। पहले तो नगर परिषद का मेन काम होता है सफाई व्यवस्था, तो मेरी प्राथमिकता रहती है सफाई व्यवस्था की, अच्छे से व्यवस्था करना। सफाई व्यवस्था बेहतर तरीके से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाना। चुनौती को हम स्वीकार करेंगे और सुधार करेंगे। बहुत अच्छा कोशिश करूँगी कि इंडिया लेवल पे हम 100 की रैंक में और स्टेट लेवल पर 110 की रैंक में। भीलवाड़ा में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे के कारण भीलवाड़ा जिला कलेक्टर शिवप्रसाद एम नकातेक ने कलेक्ट्रेट में बिना मास्क प्रवेश वर्जित कर दिया। वहीं उन्होंने एक टीम का भी गठन किया है जो कलेक्ट्रेट परिसर में बिना मास्क घूमने या ऑफिस में कार्य करने वाले का चालान कटेगी। वहीं मास्क के प्रति जागरूकता लाने के लिए परिसर में बैनर भी लगाए गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक राम चौधरी ने कहा कि जिला कलेक्ट्रेट के निर्देश पर हम बिना मास्क के किसी को भी कलेक्ट्रेट में प्रवेश नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही यदि कार्यालय में भी कोई बिना मास्क काम करता हुआ पाया जाएगा तो उसका चालान काटा जाएगा, जिससे कि कलेक्ट्रेट कार्यालय में कोरोना संक्रमण को रोका जा सके। श्रीमान कलेक्टर महोदय के आदेश के अनुसार नो मास्क नो एंट्री के अंतर्गत यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया हुआ है कलेक्ट्रेट में, और जो मास्क नहीं लगाया उसको समझाइश की जा रही है और नहीं मानने पर उसके खिलाफ चालान काटा जा रहा है, ताकि ज़िले में COVID-19 का संक्रमण कम से कम हो और इससे मुक्त हो सके। कलेक्ट्री में क्या जगह जगह पर बैनर भी लगाए हुए हैं? नो मास्क पूरे कलेक्ट्री में बैनर लगे हुए हैं ताकि सजगता रहे, मिट्टी है उसके प्रति सजग रहे और COVID-19 कम से कम संक्रमण फैल सके। खबर झालावाड़ के डग क्षेत्र से। पंजाब नेशनल बैंक डग में पैसा जमा करने से लेकर निकालने तक आम आदमी को खड़ा होना पड़ता है। लंबी कतारों में बड़ी आए दिन ATM हो जाता है। खराब डग कस्बे में 2 ATM बैंक द्वारा लगाए गए हैं, जिनमें आए दिन ATM खराब व पैसा नहीं होने के कारण आम जनता हो रही परेशान। वहीं आधार कार्ड को बैंक खाते से लिंक नहीं किया जा रहा, जिससे किसान वर्ग से लेकर आम आदमी व व्यापारी वर्ग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
जब भी आधार कार्ड को खाते से लिंक करने के लिए बैंक में जाया जाता है तब यही कहा जाता है कि सर्वर डाउन है, आगे से लिंक नहीं मिल रहा है। बैंक प्रबंधन को इस ओर ध्यान देते हुए सुविधाएं उपलब्ध करवानी चाहिए ताकि बैंक के बाहर लगी रही लंबी लंबी कतारों से आम आदमी को राहत मिल सके। डीडवाना कोलिया में स्वामी खेमदास महाराज के मंगल सानाध्याय में रक्तदान शिविर का पहला आयोजन ग्रामीण क्षेत्र में हुआ, जिसमें 301 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। कोलिया के चैनलमैन माली ने जानकारी देते हुए बताया कि शहीद दिनेश सैनी की स्मृति में शहीद के जन्मदिवस पर आयोजित रक्तदान शिविर में सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ताओं और आसपास के गांव और धाणियों के युवाओं ने उत्साह और उमंग से भाग लिया। ग्रामीण क्षेत्रों का पहला आयोजन होने के बाद भी युवाओं का जुनून देखते ही बन रहा था, जिससे 301 यूनिट रक्त संग्रह जयपुर की ब्लड बैंक और अजमेर की ब्लड बैंक के चिकित्सकों की टीम ने किया। डॉक्टर सोहन चौधरी के निर्देशन में आयोजित इस शिविर में स्वामी खेमदास महाराज ने उद्बोधन देते हुए कहा कि मानव सेवा की सच्ची सेवा है, मानव मात्र के कल्याण के लिए ही हम सबको कार्य करना चाहिए और ये एक रक्तदान का महा आयोजन बड़ा ही परोपकार आयोजन है, जिसमें अपरिचित व्यक्ति का भी भला होता है और हमारी भारतीय संस्कृति भी हमेशा ही वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः की ही रहती है। ऐसी परंपरा को बढ़ाते हुए रक्तदान के आयोजन करने पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को धन्यवाद भी दिया। शहीद दिनेश सैनी स्मारक समिति के कार्यकर्ताओं ने सभी रक्तदाताओं को प्रशंसा पत्र और मोमेंटो देकर सम्मानित किया। वहीं इस दौरान भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा ने इस प्रकार के आयोजनों को देश और मानव सेवा के लिए जरूरी बताया। भाजपा महामंत्री रामकिशन खीचड़ ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर कांग्रेस नेता और पंचायत समिति सदस्य सुकाराम डोडवाड़िया मौजूद रहे, उन्होंने भी संबोधित किया। कांग्रेस नेता कुशाल धैतरवाल, रामकरण चाहर भी मौजूद रहे। रामनिवास सोनी सहित पालोट, सेवा, दौलतपुर, गोर्दाराम, खुनखुरा, केराप आदि ग्रामीण क्षेत्रों के कार्यकर्ता पहुंचे और रक्तदान किया। कार्यक्रम का संचालन चैनाराम, जेपी औस्त और प्रेम किशोर रहने वालों ने किया। सैनी समाज जयपुर, डीडवाना, जोधपुर, झुंझुनू और सीकर से भी कार्यक्रम में प्रतिनिधित्व हुआ। महिला कार्यकर्ता भी रही और आगे महिलाओं में भी पहली बार हो रहे रक्तदान शिविर को लेकर काफी उत्साह था। 301 कुल रक्तदाताओं में 52 महिलाओं ने रक्तदान किया। साथ ही 21 बार रक्तदान कर चुके रामधन जेवलिया सबसे बड़ी उम्र के रक्तदान देते रहे। 19 बार रक्तदान दे चुके रघुनाथ झूरिया को विशेष सम्मान दिया गया। कार्यक्रम में 4 लोगों ने संपत्ति ने रक्तदान किया। आयोजन समिति ने उनको प्रशंसा पत्र प्रदान किया। इसके अलावा शहीद दिनेश सैनी की बहनों और NCC की छात्राओं ने भी रक्तदान किया। खबर झालावाड़ जिले से, बकानी थाना परियम में आज सुबह 11 बजे थाना अधिकारी श्यामाराम बिश्नोई, तहसीलदार गोपाल सिंह हाड़ा व विकास अधिकारी शिव सिंह पोसवाल की उपस्थिति में शांति समिति के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 40 मुहर्रम व लमरात्रा स्थापना को लेकर चर्चा की गई, जिसमें तहसीलदार गोपाल सिंह हाड़ा ने बताया कि सरकार की गाइडलाइंस के मुताबिक कोरोना महामारी को देखते हुए किसी भी प्रकार के त्यौहार को मनाने को लेकर सख्त प्रतिबंध लगाया गया है और अगर कोई सरकार के आदेशों की पालना नहीं करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं तहसीलदार ने बताया कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा गोचर भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण कर रखा है और उसे औने पौने दामों पर बेची जा रही है। वहीं कई लोगों ने इसके ऊपर मकान निर्माण कर रखा है, जिससे भी जल्द अभियान चलाकर गोचर भूमि को अतिक्रमण मुक्त की जाएगी। जहां CLG सदस्य हेमराज राठौर, भरत चतुर्वेदी, अंकित बरेठा, काजी अल्लाह बैली, मदन विश्वकर्मा, गुड्डू बाबा आदि मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिन को लेकर राजस्थान प्रदेश नेतृत्व के निर्देश अनुसार 14 सितंबर से 20 सितंबर 2020 तक संपूर्ण प्रदेश में चल रहे सेवा सप्ताह के अंतर्गत कार्यक्रम में से वृक्षारोपण व मरीजों को फल वितरण अभियान के तहत आज नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर शहर मंडल बांदीकुई में शहर अध्यक्ष मनोज टोडवाल के नेतृत्व में राज्य सामुदायिक अस्पताल में मरीजों को फल वितरण करके कार्यक्रम की शुरुआत की और उसके बाद बालिका आदर्श विद्या मंदिर में खंडेलवाल धर्मशाला के पास पौधे लगाकर वृक्षारोपण कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद हरिजन बस्ती, गाड़िया लुहार, कुमार बस्ती समेत अन्यत्र भी फल वितरण किया। इस दौरान जिला महामंत्री पूरण वेद, जिला मंत्री सुमेश विजा, जिला कार्यकारिणी सदस्य सुशील खंडेलवार, नरसिंह लाल सैनी, अन्य लोग मौजूद रहे। और अब खबर झुंझुनू जिले से,
राजकीय भगवानदास खेतान अस्पताल में सुपर स्पेशलिटी डिप्लोमा कोर्स शुरू होगा। यहाँ MBBS कर चुके डॉक्टर भी इसका फायदा ले सकेंगे। PAO डॉक्टर शुभकरण कॉलर ने बताया कि इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख शासन सचिव को पत्र भेजा गया है। इसकी मंजूरी मिलते ही डिप्लोमा कोर्स शुरू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल में 6 कैटेगरी में डिप्लोमा करवाए जाएंगे, जिससे महिला रोग व प्रसूति, ANT, निश्रेतन, शिशु रोग, नेत्र रोग सहित मेडिसिन में PG डिप्लोमा कर सकेंगे। साथ ही शुरू होने वाले कोर्स के 2 साल के डिप्लोमा में सरकारी और गैर सरकारी दोनों चिकित्सक प्रवेश ले सकते हैं। ये डिप्लोमा PG की तरह ही होगा। मैं नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन दिल्ली से झुंझुनू अस्पताल को डिप्लोमा कोर्सेज के लिए सेलेक्ट किया गया है, जिसमें हम 6 ब्रांचों में आफ्टर MBBS जो डिप्लोमा होता है PG के इक्विवेलेंट होते हैं, वो 2 साल का हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। जिला अस्पताल लेवल पे इस तरह का डिप्लोमा हमें मिला है। बाकी ये कोर्सेज जो है मेडिकल कॉलेज लेवल पे होते हैं, जिसमें हमने 6 ब्रांचेज में जैसे गायनी, ऑब्स्टेट्रिक्स है, पीडियाट्रिक्स है, मेडिसिन है, ENT है, ऑप्थेल्मोलॉजी है। इसके लिए हमने प्रपोजल डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को भेज दिया है। जैसे उनकी यस हो जाएगी हम इसमें एडमिशन शुरू कर देंगे, और जिनकी NB के थ्रू एग्जाम होगी नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन दिल्ली से, एग्जामिनेशन उनकी होगी, और वो MCI से रिकॉग्नाइज डिप्लोमा होगा। जो जैसे PG में जो लड़के रह जाते हैं और उनका नहीं हो पाता है नीट में, उनके लिए बहुत अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है कि हमें सबऑर्डिनेट स्टाफ मिलेगा और एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्लोमा कोर्सेज चालू होगा। तो इसमें जो मेडिकल एंड हेल्थ फैसिलिटीज हैं इनकी क्वालिटी में भी काफ़ी सुधार। क्या सर डॉक्टर, ये राजस्थान का पहला है हॉस्पिटल होगा क्या ऐसा? जिला अस्पताल ये पहला ही होगा जिसमें इस तरह का कोर्सेज शुरू किया जाएगा। बाकी जो जिन जिलों में मेडिकल कॉलेज एस्टेब्लिश हो चुकी हैं उनमें कोर्सेज फिलहाल। आज NWREU बांदीकुई शाखा के कार्यकर्ताओं ने मानसिक गांगुली के नेतृत्व में स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संपर्क किया और रेल के निजीकरण में आमजन पर होने वाले दुष्प्रभाव में संबंध से चर्चा की। इस दौरान वार्ड नंबर 3 की पार्षद पुष्पा डोई ने NWREU के इस कार्य की सराहना करते हुए कहा कि इससे आम जनमानस की रोजमर्रा की जीवन शैली पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि देश की आबादी का बहुत बड़ा हिस्सा मजदूरी करता है, जिसके लिए यातायात का सबसे सुगम और मस्ता साधन भारतीय रेल है। जब इसका निजीकरण होगा तो निश्चित तौर पर महंगाई बढ़ेगी और रेल का सफर आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगा या उसकी जेब पर अतिरिक्त भार पड़ने का कार्य होगा। वार्ड नंबर 7 के पार्षद रतन सिंह पटेल ने कहा कि रेलवे देश का सबसे बड़ा नियोक्ता होने के साथ देश में सरकारी रोजगार का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म देने वाला संस्थान है। हमारे देश में आज भी सरकारी नौकरियों को तरजीह दी जाती है। अगर ये छीने का काम हुआ तो निश्चित तौर पर बेरोजगारी बढ़ती, और जब बेरोजगारी बढ़ेगी तो अपराध बढ़ने की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। इस कारण हम आम जन के प्रतिनिधि के तौर पर जनता की आवाज़ को बुलंद करते हुए, रेलों के निजीकरण का विरोध करते हुए केंद्र सरकार से ये अपील करते हैं कि निजीकरण के फैसलों को वापस लिया जाना चाहिए। NWREU का भारतीय रेलों को बचाने का यह कदम सराहनीय है। भारतीय रेल का जो देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, इसे बचाने के लिए हमें पूर्ण रूप से सहभागिता निभाएंगे। इस दौरान उमेश शर्मा, बलवीर सिंह, महावीर संजय भटनागर, लोकेश जांगेड़, मुकेश बंसेला, विजय सिंह चौहान मौजूद थे। और खबर पावटा से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्मदिवस को भारतीय जनता पार्टी द्वारा सेवा समारोह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक मंडल स्तर पर सेवा के कार्य किए जा रहे हैं। गुरुवार को पावटा बालाजी मंडल व प्रागपुरा मंडल द्वारा जिलाध्यक्ष जयपुर उत्तर देहात रामलाल शर्मा, पूर्व विधायक विराटनगर डॉक्टर फूलचंद भिंडा, जिला महामंत्री कैलाश ताखर, जिला महिमा मोर्चा महामंत्री आरजे सिंह के मुख्य आतिथ्य में पावटा बालाजी मंडल अध्यक्ष प्रकाश राठी एवं प्रागपुरा मंडल अध्यक्ष जयराम सिंह नेतृत्व में कस्बे की आदर्श विद्या मंदिर स्कूल के खेल मैदान के चारों तरफ गोपाल भैया मंदिर, शमशान घाट, शिवनगर, सारण शेगावत विद्यालय,
बडनगढ़ सहित कस्बे के कई स्थानों पर पर्यावरण संरक्षण के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए भाजपा प्रतिनिधियों व कार्यकर्ता द्वारा पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित कर उनकी सुरक्षा का संकल्प लिया गया। जहां मुख्य अतिथि जयपुर उत्तर देहात रामलाल शर्मा कहा कि पौधे न केवल हमें शुद्ध हवा फल व छाया देते हैं बल्कि पौधे वर्षा को भी आकर्षित करते हैं। वहीं भूमि के जल स्तर को ऊपर उठाने में सहायक है। वहीं पूर्व विधायक फूलचंद भिंडा ने कहा कि पौधे जीव मात्रा को जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करते हैं। स्वस्थ शरीर के लिए पेड़ों का संरक्षण आवश्यक है। पेड़ माता पिता की तरह हमारा पोषण करते हैं। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष जयपुर उत्तर देहात रामलाल शर्मा, पूर्व विधायक विराटनाथ गोपाल गजराज, जयराम थालोट, श्रीराम सिंह कार्यक्रम कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी एवं उनके स्वास्थ्य जीवन की मंगल कामना की। सर, ये मोदी जी के 70वें जन्मदिन पे भाजपा पदाधिकारियों, भाजपा कार्यकर्ताओं, विधायकों द्वारा ये पौधारोपण, दिव्यांगों को कृत्रिम उपकरण और कई तरह के आपके द्वारा प्रोग्राम कार्यक्रम करवाए जा रहे हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देश के प्रधानमंत्री जी का आज 70वां जन्मदिन है और इस जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं और इन सेवा सप्ताह के रूप में 7 दिन अलग अलग कार्यक्रम है। आज 17 तारीख को सिर्फ पेड़ लगाने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई के द्वारा तय किया गया था। आज जयपुर जिले पूरा जो उत्तर है उसके अंदर सभी ग्राम पंचायतों में सभी मंडलों के अंदर वृक्षारोपण अभियान का शुरुआत की गई है और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता ये वृक्ष लगाकर मोदी जी के जन्मदिन को मनाने का काम कर रहे हैं और आशा उम्मीद करता हूं कि उन्होंने पूरे का पूरा जन्मदिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सेवा सप्ताह के रूप में सिर्फ समाज सेवा को समर्पित है। खबर अलवर के नारायणपुर क्षेत्र से। नारायणपुर में गुरुवार को आंगनवाड़ी केंद्रों में पोषाहार का वितरण किया गया। पोषाहार वितरण महिला सुपरवाइजर पूनम शर्मा की उपलब्धि में शास्त्री महिला, गर्भवती महिला, 7 महीने से 3 वर्ष के बालकों एवं 3 वर्ष से 6 वर्ष के बालकों को अगस्त व जुलाई माह का पोषाहार वितरण कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए किया गया। इस दौरान महिला सुपरवाइजर के द्वारा कोविड-19 के बचाव तथा उनके उपाय बताए गए। पोषाहार के अंतर्गत प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलो चने की दाल वितरण की गई। वहीं नारायणपुर ग्राम पंचायत के वार्ड नंबर 9 मोहल्ला राजपुरा में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र नंबर 3 में महिला सुपरवाइजर पूनम शर्मा, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता गौरा पारिक, आशा सहयोगिनी पिंकी मीना की उपस्थिति में 5 स्तरीय महिलाओं, 13 गर्भवती महिलाओं, 7 माह से 3 वर्ष के 40 बालकों एवं 3 वर्ष से 6 वर्ष के 15 बालकों को पोषाहार वितरण किया गया। महिला सुपरवाइजर पूनम शर्मा ने बताया कि पोषाहार वितरण माह जुलाई 2020 की 2 किलो चने की दाल एवं महीना अगस्त 2020 की 3 किलो चने की दाल वितरण करते हुए प्रत्येक लाभार्थी को 5 किलो चने की दाल दी गई एवं 1 किलो चने की दाल जुलाई माह के केंद्रों पर आने के उपरांत विभिन्न लाभार्थी को दी जाएगी। साथ ही जैसे ही गेहूं व चावल आएंगे तो उसका भी वितरण किया जाएगा। वहीं क्षेत्र की आंगनवाड़ियों का निरीक्षण करते हुए देखा गया कि स्वयं लाभार्थी आकर अपना राशन प्राप्त कर निःशुल्क चने की दाल एवं पोषाहार से लाभान्वित हो रहे हैं। इस मौके पर महिला सुपरवाइजर पूनम शर्मा, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता गौरा पारिक, बसंती देवी, धनश्याम सैनी, संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता एवं लाभार्थी मौजूद थे। आज विभागीय नियमों के अनुसार समस्त परियोजना थानागाजी में पोषाहार का वितरण किया गया है। पोषाहार में अभी दाल का ही वितरण किया गया है और मेरा परिक्षेत्र नारायणपुर है। नारायणपुर के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पे और रजबपुरा के समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों पर भी आज दाल का वितरण किया गया है, जिसमें मैंने जो वास्तविक रूप से आंगनवाड़ी केंद्रों का निरीक्षण किया है उसमें मैंने स्वयं भी दाल का वितरण किया है। हमारे यहाँ जैसे 7 माह से 3 वर्ष के बच्चे, गर्भवती, धात्री, स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिका और इन बच्चों का पंजीकरण किया जाता है। 3 से 6 वर्ष के बच्चों का भी पंजीकरण किया जाता है। लेकिन अभी जो कोविड-19 के दौरान आंगनवाड़ी केंद्रों की पर बच्चों के सालापूर्व शिक्षा नहीं होने के कारण पोषाहार का वितरण का कार्य ही आंगनवाड़ी केंद्रों पे किया गया है, जिसमें स्वयं लाभार्थी आंगनवाड़ी केंद्रों पे आए हैं पोषाहार लेने के लिए और उन्हें पोषाहार दिया गया है। पोषाहार में चने की दाल दी गई है पर लाभार्थी 5 किलो चने की दाल का वितरण इस समय वर्तमान समय में किया जा रहा है। जुलाई और अगस्त माह, जुलाई 2020 और अगस्त 2020 का ये पोषाहार का वितरण किया गया है। विभागीय नियमों के अनुसार जुलाई की दाल 3 किलो होनी चाहिए थी और अगस्त की 3 किलो है, लेकिन अभी 1 किलो दाल कम आने की वजह से 5 किलो पोषाहार का वितरण किया गया है। सितंबर माह में 1 किलो दाल और प्राप्त होने पर उसका भी वितरण किया जाएगा और अभी पता चला है कि गेहूं और चावल भी अभी प्राप्त होने वाले हैं, उसके पश्चात गेहूं और चावल का भी वितरण किया जाएगा। और लाभार्थियों को हमने पोषाहार वितरण के साथ साथ
कोविड 19 महामारी से बचने के उपाय बताए हैं तथा उसके साथ साथ वही लाभार्थियों को इस पोषाहार से मतलब क्या फ़ायदा होगा और मतलब उनके लिए ये क्या साबित होगा, ये सारी बातें उनको बताई गई है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 70वां जन्मदिवस पर नाडोल भाजपा मंडल की ओर से सारंगवास स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के पास 30 से अधिक पौधे लगाकर वृक्षारोपण कर मनाया जन्मदिवस, साथ पर्यावरण संरक्षण का दिया अनूठा संदेश। जिला महिला मोर्चा व अध्यक्ष जिला परिषद सदस्य सुमित्रा राजपुरोहित, प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रदेश संगठन मंत्री व खेतलाजी जुनीधाम अध्यक्ष मुकेश राजपुरोहित की अध्यक्षता में किया वृक्षारोपण। जन्मदिवस पर मोदी अमर रहे, मोदी जिंदाबाद के नारे लगाते हुए किया वृक्षारोपण। जुनीधाम ट्रस्ट अध्यक्ष मुकेश राजपुरोहित के सहयोग से 30 छायादार वृक्ष, साथ ही सभी पौधे के टिरगार्ड भी लगाए। इस अवसर पर नाडोल मंडल अध्यक्ष सतीश सोनी, उपाध्यक्ष व मंत्री व पूर्व मंडल अध्यक्ष कुलदीप सिंह राजावत, बड़ौद सरपंच गोविंदपुरी, कोऑपरेटिव अध्यक्ष जब्बर सिंह, कई वरिष्ठ भाजपा नेता व पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे। और हमारे है ओपन जी के पूरा रोमर बात ही आवा है, या पुरानी वेरो है और मारे खातादारी जमीन है, या वो अतिक्रमण करे रियो है, आप रहे मारे डरा भी रियो है कि वो मारू, ठीक है। बाकी तो ओपन जी रे है पेड़ काट दिया सब। कितना साल पुराना पेड़ था बेटे? पुरानी हुआ साल रहा पेड़ है। अच्छा, पेड़ काटिए तो आपको शिकायत करी पटवारी तहसील में? मैं कर दी दी है बात। अच्छा, मौको मुआवना करियो तो तहसीलदार वगैरह माते तहसीलदार। अच्छा, आप कह रहे अवैध धूप दी अतिक्रमण करियो, अतिक्रमण करो नाम कोई बना वरना नाम ढला रहा हूँ मैं बात। अच्छा, वह सामने भूमि है, कृषि भूमि है? कृषि भूमि है बाप जी। अच्छा, तो आपको मुकदमो दर्ज करिए थाना में? थाना में दर्ज कराई दी बाप जी। पुलिस वाला कोई कार्रवाई करी? वरनी कोई कार्रवाई नहीं की दी बाप जी। अच्छा, कोर्ट में स्टे भी लाए आप? हाँ लाए बाप जी। तो स्टे बावजूद भी काम कर रहे वो बाप जी? स्टे लाए नहीं रखी दी बाप जी, बात ही आवे क्या करती आप मारो काम कर रही हो। हाँ बाप जी। तो मैं आपको छो मैं तो अन्न निवेदन करावाना सब है। थाना गांव के पावटिया गुड्डा मार्ग पर दबंग द्वारा माननीय न्यायालय के स्थानीय स्टे आदेश के बावजूद शामलाती कृषि भूमि पर बिना अनुमति बेरा व सांडा की अवैध निर्माण कार्य करवाए जा रहे हैं। पटवारी व आरई द्वारा रुकवाने के बावजूद दबंग प्रतिबंधित रेत का खनन कर 100 वर्ष पुराने हरिवृक्षों को काट डाला। पूरा मामला आना पाटिया गुड्डा मार्ग पर स्थित बेरानवा अरट का है, जहां पीड़ित किसान पूरा राम ने बताया कि मेरे शामलाती बेरे में जमीन हड़पने की नियत से दबंग ढलाराम उर्फ ढालिया पुत्र इंदराम जाति जनावा चौधरी ने सड़क व आम रास्ते से जुड़ती भूमि व सड़क की जो शामलाती है, जहां अवैध रूप से निर्माण कार्य किया जा रहा है। वहीं दबंग ढलाराम जनावा अगस्त 2020 महीने ने 100 वर्ष पुराने हरे पेड़ भी काट डाले। 7 लाखों रुपए की भूमि हड़पने के लिए ढलाराम हमारे साथ मारपीट भी कर रहा है। पीड़ित व गरीब किसान पुराराम ने देसुरी थाने में मुकदमा दर्ज कराया, पर पुलिस दबंग के साथ मिलकर उल्टा पीड़ित किसान को धमका रही। पीड़ित ने इसकी शिकायत लेकर जिला कलेक्टर महोदय व उपकरण अधिकारी देसुरी व देसुरी तहसीलदार को भी लिखित में शिकायत दर्ज कराई है। साथ ही राजस्थान संपर्क में भी शिकायत दर्ज कराई गई है, पर दबंग ढलाराम जनावा पर किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई। पीड़ित परेशान होकर न्यायालय की चरण में गया, जहां न्यायालय ने राजस्व अपील अधिकारी पाली द्वारा दिनांक 13 जुलाई 2020 को मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थानीय बनाए रखने ने आदेश दिए, जिसकी आगामी दिनांक 27 सितंबर 2020 तक स्टे रहेंगे। स्टे होने के बावजूद दबंग ढलाराम जनावा ने ताकत व पैसे के बल पर न्यायालय के स्टे को ताक पर रखकर अवैध रूप से निर्माण कार्य जारी रखा है। साथ ढलाराम जनावा पीड़ित गरीब किसान को जान से मारने की धमकियों देता आ रहा है, परंतु पुलिस द्वारा देसुरी थाने में मुकदमा दर्ज कराने पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। फिलहाल हमारे राजस्थान में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।